नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स डिडक्शन सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 80D के बारे में। इस सेक्शन 80D के अंतर्गत टैक्स पेयर को 1 लाख रुपए तक के इनकम से छूट मिल सकती है, जिसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। इस सेक्शन 80D के अंतर्गत इंडिविजुअल और रिजर्व टैक्स पेयर द्वारा अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो उस भुगतान का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत इनकम टैक्स में इनकम से मिलेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंसेस का डिडक्शन इंडिविजुअल और रिजर्व टैक्स पेयर को मिलेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल टैक्स पेयर द्वारा अगर खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है तो उसका डिडक्शन इंडिविजुअल टैक्स पेयर को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम से मिलेगा। और एचयूएफ टैक्स पेयर द्वारा अगर एचयूएफ के किसी भी मेंबर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो उसका डिडक्शन एचयूएफ टैक्स पेयर को अपनी इनकम से मिलेगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत ऐसे कौन से पेमेंट्स हैं जो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्स पेयर द्वारा अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर अगर खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम का भुगतान करता है तो उसका डिडक्शन उसे मिलेगा। यह एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना होगा वो अदर देन कैश करना होगा। कैश में किए गए इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान का डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अगर कोई एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसका भी डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा। सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा है और वो व्यक्ति किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसका भी डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर को मिलता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत अगर कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उस अमाउंट का भी डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत मिलता है। इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन की जो लिमिट है वो है 25,000 रुपये। और अगर जिस व्यक्ति के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया जाता है उसकी आयु अगर 60 साल से ज्यादा है, वो अगर सीनियर सिटीजन है तो इस सेक्शन के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है उसकी आयु अगर 60 साल से कम है तो 25,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। और जिस व्यक्ति के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है उसकी आयु अगर 60 साल से ज्यादा है तो 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस किया जाता है तो उसका भी डिडक्शन 5,000 रुपये तक मिलेगा। यह एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से टैक्स पेयर को डिडक्शन मिलेगा। यह पहले उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यह इंडिविजुअल टैक्स पेयर और उसकी फैमिली जिनकी आयु 60 साल से कम है तो उन्हें 25,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। यह दूसरे उदाहरण में इंडिविजुअल और उसकी फैमिली और साथ में पेरेंट्स के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम का भुगतान किया जाता है जिनकी आयु 60 साल से कम है, तो यह दोनों केस में, तो यह खुद के और फैमिली के लिए किए गए मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम का 25,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा और पेरेंट्स के लिए 25,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि पेरेंट्स की भी एज 60 साल से कम है। यह तीसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि यह इंडिविजुअल और उसकी फैमिली जिनकी आयु 60 साल से कम है और पेरेंट्स जिनकी आयु 60 साल से ज़्यादा है, तो इस केस में यह पेरेंट्स के लिए 50,000 का डिडक्शन मिलेगा और इंडिविजुअल के लिए 25,000 का डिडक्शन मिलेगा और टोटल डिडक्शन मिलेगा 75,000। यह चौथे उदाहरण में हम देखेंगे कि इंडिविजुअल और फैमिली की एज भी 60 साल से ज्यादा है और पेरेंट्स की एज भी 60 साल से ज्यादा है, तो इस केस में दोनों के लिए 50,000 का डिडक्शन मिलेगा और टोटल डिडक्शन मिल सकता है 1,00,000 रुपये तक का। और उसी तरह से एचयूएफ की केस में होगा। तो इस सेक्शन के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल द्वारा खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा उसका भी डिडक्शन मिलेगा और अपने पेरेंट्स के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा उसका डिडक्शन अलग से मिलेगा। तो इतनी छोटी सी जानकारी सेक्शन 80D के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। धन्यवाद।